रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किंग ऑफ नॉलेज एजुकेशनल सोसाइटी में खुश आमदीद। फैमिली वेलफेयर असिस्टेंट का पेपर 31 जुलाई 2022 को हुआ है, ATS के थ्रू ये पेपर हुआ है। इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में। चैनल में आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सबसे पहले क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। सिनोनिम्स जो हैं ये हैं, सबसे पहला वर्ड है ABUZZ, अबज, जोश व खरोश। इसका सिनोनिम है बिजी। एबिड्यू, एबिड्यू का है गुड बाय। एबिड्यू का मतलब होता है रुख्सत कर देना, गुड बाय इसका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है जी, बेडाजिल्ड, भटकाना, बिविल्डर्ड, बिविल्डर्ड का मतलब होता है गुमराह करना। अच्छा, उसके बाद है डिबेक, डिबेक का मतलब होता है अरास्ता करना, डेकोरेट करना। कैनोनिक, कैनोनिक का मतलब होता है कानूनी तौर पर। कैनोनिक हमारे पास है कानूनी तौर पर, इसका सिनोनिम है ऑफिशियल। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारे पास है जी कंटेंक्रस। कंटेंक्रस कुछ इस तरह से वर्ड है, इसका मतलब है बदमिजाज। क्वारलसम इसका सिनोनिम आएगा। नेक्स्ट है जी, इसके एंटोनिम कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। इनामर्ड, इनामर्ड का मतलब होता है चाहत। इसका अपोजिट आएगा रिपल्स, यानी कि रिजेक्ट करने वाला। उसके बाद है एनक्रस्टेड, एनक्रस्टेड का मतलब होता है घेरा डालना। इसका अपोजिट है ब्लेस्ड। उसके बाद है डिबंक, डिबंक का मतलब होता है बेनकाब करना। प्रिपेचुएट, प्रिपेचुएट होता है कायम रख देना, बेनकाब ना करना। उसके बाद है कैप्शियस, तकरारी करने वाला। इसका अपोजिट आएगा टॉलरेंट, यानी कि बर्दाश्त करने वाला। उसके बाद है डिकेडेंस, डिकेडेंस का मतलब होता है जवाल, और इसका अपोजिट आएगा डिसेंसी, सिलिका। और उसके बाद है जी कॉस्टरी, इसका अपोजिट है रिजल्टेंट, इसका अपोजिट है रिजल्टेंट। नेक्स्ट है जी, चूज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसके बाद प्रीपोजिशन के कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन पेपर इज वेरी वेरी रिच डैश वाइटामिन सी। तो यहाँ पे हम प्रीपोजिशन इन इस्तेमाल करेंगे, इन विटामिन सी। नेक्स्ट में आएगा, ही इम्प्रेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी वाज लफिंग आई लफिंग डैश हिम आना है यहाँ पे, तो एट हिम आएगा। हिम के साथ एट प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, डोंट टेक एनी नोटिस डैश हिम ऑफ हिम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम फीड अप डैश हिज मेस, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे विद। नेक्स्ट, ही इज टायर्ड डैश देयर कम्प्लेंट्स ऑफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, इफ एक्स वाई एंड जी बी द डिजिट्स ऑफ अ नंबर बिगनिंग फ्रॉम लेफ्ट द नंबर इज, इसका राइट आंसर आएगा 100x प्लस 10y प्लस जी इसका आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ एन माइनस वन इज एन ओड नंबर व्हाट आर द टू अदर ओड नंबर्स नियरेस्ट टू इट, तो इसका राइट आंसर आएगा n माइनस थ्री एंड n प्लस थ्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर m और n जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हों एंड m माइनस n इज एन इवन नंबर, देन m स्क्वायर माइनस n विल बी ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 4, तो इसका राइट आंसर था 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन नंबर इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 56 द रिमाइंडर ऑब्टेन इज 29, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द नंबर इज डिवाइडेड बाय 8, जब हम उसको 8 के साथ करते हैं तो इसका राइट आंसर आएगा 5। अच्छा, डॉक्टर इज रिलेटेड टू पेशेंट इन द सेम वे लॉयर इज रिलेटेड टू क्लाइंट, जैसे डॉक्टर का पेशेंट होता है तो लॉयर जो है उसके पास जो आदमी जाता है उसको क्लाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन 18 मई 1974 इंडिया एक्सप्लोडेड फर्स्ट न्यूक्लियर डिवाइस अंडर द कोड नेम ऑफ ऑपरेटिंग स्माइलिंग बड्डा, बड्डा कुछ इस तरह से नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, विच क्रॉप है इज लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू द पीरियड बिटवीन कल्टिवेशन एंड हार्वेस्ट, उसको हम कॉटन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फराखा कुछ इस तरह से नाम है, फराखा डैम इज ऑन रिवर गंगा इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये इनके दरमियान में डिस्प्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय
काजवे, काजवे में का मतलब होता है अराइज्ड वे, एक उभरा हुआ हिस्सा, अक्रॉस द वेट ग्राउंड आर वाटर, पानी के साथ साथ जो उभरी हुई जगह होती है उसको हम कहते हैं काजवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट वॉच पेंटिंग बिलोंग्स टू, ये नाम है जी रविंद्र वान रिजन। नेक्स्ट, व्हाट इज बिग बेन, बिग बेन क्या है, क्लॉक एट ब्रिटिश पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर ये क्लॉक लगा हुआ है जिसको हम कहते हैं। विच इज़ द वाइजेस्ट बी क्लॉक बर्ड इन द यूरोपियन कंट्रीज, अकलमंद तरीन परिंदा कौन सा है यूरोपियन कंट्रीज में, ओल उसको कहा जाता है, उल्लू को। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रशियन ऑयल एंड गैस कंपनी विच प्रोवाइड ऑल एंड गैस टू द यूरोपियन कंट्रीज, उसको कहते हैं जी गाज़प्रोम कंपनी, इसका नाम है GAZPROM, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर यूरोपियन रूलर्स कैप्चर्ड फलस्तीन फ्रॉम मुस्लिम्स इन क्रसेड्स वार 1099 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, है जी द नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग एंड प्राइमरी हेल्थ केयर वॉज लॉन्च्ड इन 1994। Who discovered the polio vaccine? Polio vaccine किसने discover की थी, जोनस साल जो है इसने वैक्सीन पोलियो की डिस्कवर की थी। ये थे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।